शिक्षा नगरी कोटा भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। संदिग्ध बुजुर्ग की आपको बता दें कि मौत के बाद में जांच में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद में नेहरू नगर स्टेशन इलाके सहित पूरे कोटा शहर में दहशत का माहौल हो गया। तो वहीं पुलिस ने स्टेशन इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया। आरएसी के जवान भी तैनात यहां पर किए गए। इसी के साथ इलाके में रहने वाले व्यक्तियों के बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से पाबंदी यहां लगा दी गई। तो वहीं जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार 8 अप्रैल तक इलाके में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। ऐसे में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही में पुलिस की टीम लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रही है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद भी प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को आइसोलेट करने में अब जुटी हुई है। इस इलाके में पूरी तरह से कर्फ्यू के लगा रखा है। 1 किलोमीटर का एरिया है तेलगढ़ से, उसके अंदर जो है भीमगंज मंडी और रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र है आ पड़ता है। तो इसमें बिल्कुल कल शाम से ही 6 बजे से हमने बिल्कुल नो मोबिलिटी जोन कर रखा है। केवल नगर निगम की टीमें जो सैनिटाइजेशन के लिए, साफ सफाई के लिए आई वो, और मेडिकल की टीम जो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके अलावा सभी प्रकार से हमने जो है वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है और 100% इसकी पालना कराई जा रही है। सर, आरएसी के जवान भी तैनात कर दिए हैं? बिल्कुल, आरएसी भी लगा रखी है और भी कई सारा हमने जो है फोर्स लगा रखी है। हर गली में जगह जगह बैरिकेड कर रखे हैं और प्रशासन द्वारा जो लोगों को असुविधा नहीं हो उसके लिए दूध और खाद्य सामग्री वो घर घर उनको पहुँचाई जा रही है। सर, आगे कब तक रहेगा ये? 8 तारीख को सुबह 6 बजे तक फिलहाल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने नो मोबिलिटी जोन घोषित किया है और हर घर की स्क्रीनिंग होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता योगेंद्र महावर मेरे साथ कोटा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, काफी ज्यादा विकट परिस्थितियां पूरे प्रदेश में है, कोटा भी अब इसके चपेट में आ गया। पुलिस लगातार यहां मॉनिटरिंग कर रही है और 8 अप्रैल तक के लिए इलाके में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल जयती, जिस तरह से कोटा बचा हुआ था, शिक्षा नगरी कोटा, अब वो भी अछूता नहीं रहा है। जो व्यक्ति है वो संदिग्ध माना गया था, उसमें उसकी डेथ हो गई थी। हालांकि अभी तक जो जांच में ये सामने आया है कि उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई थी, जिसके बाद उसकी जो जांच की गई उसमें कोरोना पॉजिटिव सामने आया था। स्क्रीनिंग जब कोटा में की गई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उनकी जांच को दोबारा जयपुर भेजा गया, तो वहां पर भी कंफर्मेटरी में जांच पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, हाथ पैर फूल गए, क्योंकि अभी तक शिक्षा नगरी से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था। लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उनसे तकरीबन 35 से 40 लोग संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन इसमें बिल्कुल सतर्क हो गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है और लगातार उसमें सर्वे किया जा रहा है, तकरीबन 110 से अधिक टीमें पूरे इलाके में मौजूद है और लगातार लोगों के घरों का सर्वे किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही उस घर में, उस घर के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरा पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया गया है, एक तरह से कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। ये 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान ना तो इस इलाके में कोई बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा, ना ही अंदर का व्यक्ति कोई बाहर निकलेगा। साथ ही सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसमें प्रशासन के लिए और एक चुनौती सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जानकारी में आया है उसमें एक कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसके परिवार के सभी लोगों को आइसोलेट कर लिया गया है और लगातार आसपास के घरों में भी स्क्रीनिंग की बिल्कुल व्यवस्था कर दी गई है। पूरी प्रशासन मुस्तैद है, चाहे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, या फिर नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग। तो कहीं ना कहीं अब एक चुनौती जिला प्रशासन के लिए सामने आती जा रही है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद योगेंद्र। आपको बता दें यहाँ पर शिक्षा नगरी कोटा, वहां से एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद में और संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत के बाद में पूरे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्टेशन इलाके को पूरे तरीके से सील कर दिया है। कोरोना को यहां पर हराने की तैयारी पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने मुस्तैदी के साथ कर ली है। आगामी 8 अप्रैल तक के लिए पूरे इलाके को कर्फ्यू लगा दिया गया है, किसी भी प्रकार की आजादी यहां पर नहीं होगी।